अंबाला में 40 विधानसभाओं के लिए कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने संकल्प संकलन यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि यात्रा के जरिए हर वर्ग से घोषणा पत्र के लिए सुझाव मांगे जाएंगे। हरियाणा विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले स्पीकर चौधरी कंवरपाल गुर्जर ने कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला को नसीहत दी कि विधानसभा की कार्यवाही में भाग ले। सुरजेवाला विधानसभा की कुल 71 कार्यवाही में से सिर्फ 5 में शामिल रहे हैं। जिंद में होने वाली आस्था रैली में पहुंचे केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह चौधरी ने पार्टी में शामिल हो रहे विधायक और नेताओं को नकली कह दिया, जिससे एसोसिएशन के सरपंच नाराज नजर आए और गृह मंत्री अमित शाह से शिकायत करने की बात कही। गौरक्षक की हत्या मामले में अंबाला में कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने सवाल उठाया और कहा कि जो बुद्धिजीवी प्रधानमंत्री को चिट्ठियां लिख रहे थे, अब वो चुप क्यों हैं? हिसार जेल में फतेहाबाद के सजायाफ्ता कैदी की मौत के बाद परिवार ने सरकार और पुलिस के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और कार्रवाई की मांग की है। कैदी को NDPC एक्ट के तहत 15 साल की सजा सुनाई गई थी। भिवानी में बाइक सवार दो बदमाशों ने व्यापारी से लूट की कोशिश की, वहीं विरोध करने पर बदमाशों ने व्यापारी पर हमला किया और फरार हो गए। घायल व्यापारी अस्पताल में भर्ती है। भिवानी में झमाझम बारिश होने से मौसम सुहाना हो गया, लोगों ने गर्मी से राहत की सांस ली है। टोहाना में तेरापंथ जैन समाज की ओर से आचार्य महाप्रज्ञ की जन शताब्दी पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें BJP प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला ने शिरकत की। बल्लभगढ़ के भनकपुर और शाहपुर में स्कूलों की हालत जर्जर हो चुकी है, वहीं प्रशासन से शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। फतेहाबाद में पुलिस ने दो हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 315 बोर की 6 अवैध पिस्तल बरामद की गई है।